Gopal Snacks, available at Sri Murugan and all the leading stores island-wide. For more details, contact 9783-8410. Punjab Grill Singapore, which is inspired by the splendor of Indian Maharajas and their lifestyle of that era. Dining in Punjab Grill will take you on a journey to India's richly diverse northwest frontier province. They bring the zest of all historical recipes to their customers in an urbanized form in their culture. Finally, I'm here at Punjab Grill with Chef Javed. Dipri, you are looking so beautiful and gorgeous. Aaj to meri bari hai aapke khane ke maze lene ki. Let's start Kuklavit 2.0, more than a cooking show. Today I'm the lucky one and I'm going to get to eat what you're going to make today for us. Tell us a little bit about yourself. Ye journey aapne kaise tay kari, kuch hume bataiye. My late grandfather was a very famous continental chef in Chandigarh. My late father was a pastry chef. So you would say that cooking is my blood. मेरे फादर डेफिनेट चाहते थे कि मैं आर्मी में ज्वाइन हूँ. मेरी भी ऐसी इच्छा थी कि मैं आर्मी में ज्वाइन हूँ और अपने देश के लिए कुछ करूँ मैं. बट अनफॉर्चुनेटली से कि उस दौर ऐसा है कि सडनली माई माइंड हैज डाइवर्ट और मुझे किचन से बहुत एक लगाव हो गया कि मदर घर पे खाना बनाती थी और वो एक मदर का टच हो गया खाने के ऊपर में. तो ऐसा हो गया कि अब मुझे आई वॉन्ट टू गो इन दैट ग्राउंड लेवल नाउ. टू बिकम अ शेफ इज नॉट वेरी इजी. यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड. Firstly, you have to be a passion on whatever you are cooking. My journey started from back to Central Hotel Juhu Beach, where I worked with Sanjeev Kapoor, chef, and lots of other celebrity chef. I worked in Singapore also as well. मेरी ये इच्छा थी कि मैं सब लोग को अपनी माँ का हक का जो रेसिपी है वो मैं सब करूँ, डिलीवरी करूँ. ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट आई हैव वर्क्ड बैक टू इंडिया, सिंगापुर, डिड लॉट्स ऑफ फूड फेस्टिवल फ्रॉम न्यूयॉर्क, सिडनी, पेरिस, ऑल दो स्टफ. एंड मैं बोलता हूँ कि ये मेरा खाना जो है ना, ये मेरी माँ की रेसिपी का वाला खाना है जो हम बनाते हैं घर पे, कुकिंग करते हैं. तो आपके फादर चाहते थे कि आप उठाएं हाथ में बंदूक, लेकिन आपने क्या उठाया? हाथ में कक्षी उठा ली हमने, खाना बनाने वाली. शेफ जावेद, शुरू करते हैं. ये रेसिपी बहुत एक मेरी पर्सनल इमोशनल रेसिपी भी है एक्चुअली. ये मेरी फर्स्ट डिश है जो मैंने बनाया था अपने ट्रेनिंग के वक्त, और कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था डिश को बनाने में. बहुत एक टच रेसिपी है, इट्स कॉल्ड अ पंजाबी स्टाइल बटर चिकन. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें आप लो फैट योगर्ट ले सकते हैं, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, विस्क इट नाइसली, ऐड दिस चिकन इनटू दिस मैरिनेशन एंड वी केप्ट असाइड फॉर 15 मिनट. देन वी हैव टू ग्रिल चिकन यू नो एज वेल. चिकन इज लीन मीट व्हिच इज पैक्ड विद प्रोटीन एंड कैल्शियम. सो लेट्स स्टार्ट. तो थोड़ा हम ऑयल ले लेते हैं. पहले हमें 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है, टमाटो प्यूरी डालेंगे. Slowly we are going to add cashew, you need to add some cardamom powder, a little bit garam masala, 1 tablespoon of honey dal dete hain. Dekho, we never hide anything in the recipe over here. In restaurants, when we cook very large quantities and the whole process becomes very lengthy because of a lot of components that have to be brought together. But cooking at home doesn't have to be as tedious and right, you can still produce flavorful product. मुझे याद है शेफ, जब मैंने प्रोफेशनल किचन में काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने जस्ट ज्वाइन ही किया था और सबको लगता था अरे ये तो लड़की है, ये क्या कर लेगी. तो मेरे फर्स्ट डे पे उन्होंने मुझे तकरीबन 20 किलो प्याज दे दिए छीलने के लिए. आई कम फ्रॉम एट सनराइज ग्लोबल शेफ एकेडमी वेयर डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जब 20 किलो अनियन आपको पील करने के लिए तो मुझे लगता है कि आपकी आंखों में आंसू जरूर आ गए होंगे. मेरी आंखों में इतने आंसू थे शेफ, इतने आंसू थे. इतना तो मैं जिंदगी में तब भी नहीं रोई जब मेरी अपने पति के साथ लड़ाई होती है. इंडियन किचन में काम करना एक लेडी के लिए आई फुड से हैट्स ऑफ. थैंक यू. आप मिलिट्री बॉर्डर पे और आपको बस चलाना है अभी वहाँ. बिल्कुल शेफ, और इसीलिए ही मैंने कहा था पहले कि यू आर स्टिल सर्विंग योर नेशन, यू हैव कम टू दिस पॉइंट इन लाइफ. इट्स एज good as being in a battlefield and winning a war. To become a chef is not very easy. मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग करता था तो हमारे पास कुछ शेफ ऐसे होते थे. राज की बात नहीं बताएंगे. जो उनकी राज की बात है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे. नहीं बताएंगे कि आपने अगर वो बटर चिकन में कुछ स्पाइस डाल रहे हैं. तो मुझे याद है मुझे बोलते थे जा बेटा तू जरा ऑनियन लिया पीछे से जरा. तो वो निकाली उन्होंने अपनी स्पाइस उसमें डाल दिए
तुम्हें बोला शेफ आपने इसमें क्या डाले, तो नहीं नहीं वो बहुत स्पेशल है और तुम मना नहीं पाएंगे ऐसा करके। तो वो एक थोड़ा फीलिंग होती थी यार, अगर मैं शेफ हूँ आज, अगर मुझे कोई रेसिपी आती है तो मैं अपने सारे स्टाफ को शेयर कर देता हूँ। नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। आई रियली बिलीव इन दैट एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट लेड मी टू स्टार्ट माय ओन कुकिंग क्लासेस। आई आल्सो डू लॉट्स ऑफ कुकिंग डेमो। इनफैक्ट इफ आई डोंट शो बटर चिकन इन एनी ऑफ द माय कुकिंग रेसिपी ऑल माय ऑडियंस इज गेटिंग कंप्लेंट। हमारे लोकल चाइनीज फ्रेंड भी वाह दे लव द बटर चिकन, दे लव इट यस। दिस आर द वेरी ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल डिशेस देन ऑल द सोसाइटी कम्युनिटी दे नो वेरी वेल। यू से दैट योर कुकिंग इज इंस्पायर्ड बाय योर मदर, सो आपकी मदर ने कभी आपके हाथ का बटर चिकन खाया है? फर्स्ट टाइम आई कुक बटर चिकन एट होम बट रियली इज नॉट कम वेरी गुड एक्चुअली। यू नो कि मैं मदर को बोला कि डाले तो हैं सारे स्पाइसेस, लेकिन तो मदर ने बोली कि बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब अच्छा खाना बनाओ ना तो उसके साथ अच्छे इंग्रेडिएंट और दिल से बनाओ खाना, तो जरूर आपका खाना बेस्ट निकलेगा करके। कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योरसेल्फ आल्सो एज वेल? आई वाज वर्किंग फॉर अ लेडी कॉल्ड नीता मेहता। आई वाज वर्किंग विद हर एज अ कुकिंग असिस्टेंट इन दिल्ली। व्हेन आई केम टू सिंगापुर आई डिड अ डिप्लोमा एंड फ्रॉम देयर ऑन आई इंटर्न्ड इन एन इटालियन रेस्टोरेंट एंड देन फॉलोड बाय अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। So do you make some Indian fusion stuff? Fusion cuisine is very interesting, but then I just like Indian food the way it traditionally is. Towards the end cream dalenge isme thoda sa jo chicken humne we have grilled in our clay oven tandoor, so wo hum dalenge isme abhi. To all the viewers of Cook Love Eat 2.0, I want to tell you कि बटर चिकन तो हर कोई बनाता है, बट इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट दिखने वाला बटर चिकन मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आई कैन सी हियर दैट शेफ हैज़ यूज्ड प्रीटी मच ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आई यूज, बट द कुकिंग टाइम इज सो मच लेस। आई सर्व यू टुडे माय बटर चिकन। शेफ वैसे तो बटर नान और गार्लिक नान ही चलता है, अच्छा। लेकिन आज मैं अपना बटर चिकन मेरे फेवरेट गोपाल चिप्स के साथ खाने वाली हूँ। क्या बात है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन है, है ना? तो पहले मैं आपका बटर चिकन टेस्ट करती हूँ। डेफिनेट गोपाल चिप्स के साथ कितना अच्छा टेस्ट कर सकता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने पहली बार सुना। आई थिंक यू शुड आल्सो ट्राई इट शेफ। India should be very proud to have chefs like you who are taking the cuisine forward and making it global. आप आइए कभी हमारे किचन में भी और हमें मौका दीजिए आपके साथ में हमको एक रेसिपी क्रिएट करने का, या आपकी एक रेसिपी हो जो हम लोग साथ में मिलके बनाए। डेफिनेटली, लेकिन आपको पता है ना कि किचन में लड़कियां इतनी खूबसूरत नहीं लग सकती। उसके लिए बोला कि हमारे भी थोड़ा मजा आ रहेगा। जब मैं किचन में एंट्री करता हूँ तो मेरे शेफ लोग बहुत मायूस होकर काम करते हैं, तो मैं अपना FM लेता हूँ कि पूरी स्पीड में ऑन कर देता हूँ। काम करो तो एक अलग सा माहौल होना चाहिए। Definitely. म्यूजिक आपके कान में आ रहे हो, साथ में आप जैसी ब्यूटी खाना बना रही हो, तो वाह वाह बल्ले बल्ले। आप अलाउ करेंगे तो मैं इसी गेटअप में ही आपके किचन में आ जाऊंगी। डेफिनेटली। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर विजिटिंग सिंगापुर, योर विजिट कैन नॉट बी कम्प्लीट विदाउट अ मील एट पंजाब ग्रिल। सो डू कम टू पंजाब ग्रिल टू सेवर शेफ जावेद्स डेलिकेसीज। When food is cooked with love, served with love, and eaten with love, it not only nourishes your body, but also your soul.